नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर और आलू की पोटली। खाने में बहुत टेस्टी होती है और आप इसको स्नैक्स के तौर पर कभी भी चाय के साथ बनाकर आप खा सकते हैं, और आप इसको स्टोर करके हफ्ते से 10 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। मटर की पोटली बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है। मैंने एक कटोरी मटर लिया है जिसको मैंने एक सीटी लगवा ली है। ताज़े मटर हैं। अगर आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको सीटी नहीं लगवाएंगे। एक आलू ले लिया है मैंने उबला हुआ। साथ में मैंने लिया है अदरक और हरी मिर्च को कटा हुआ। जीरा लिया है आधा चम्मच, आधा चम्मच सौंफ लिया है, आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है और आधा चम्मच ही मैंने अजवाइन लिया है। मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर और चाट मसाला। साथ में मैं तेल लूँगी जिसका मैं डीप फ्राई करूँगी, और इसी के साथ मैंने लिया है ये एक कटोरी मैदा। इसको मैं भून के इसका एक डो तैयार कर लूँगी। मैदा हमने ले लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक आप कम ही डालेंगे क्योंकि हमने बैटर तैयार करेंगे, उसमें भी नमक होगा, इसलिए नमक आप कम ही डालेंगे। इसी के साथ ये छोटी कड़छी मैं आधी तेल की डालूंगी इसके अंदर, और इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। तेल को मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। हल्का गुनगुना पानी ले रही हूँ मैं, और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका गूंदेंगे। ये डो आप ना तो ढीला गूंदेंगे और ना ही टाइट गूंदेंगे। ये देखिए डो हमने एक तरह से तैयार कर लिया है। अभी हमने पूरी तरह से इसको नहीं गूंदा है, इसको हम 10 मिनट रेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम इसको गूंदेंगे। इससे पहले मैं हाथ के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप तेल डालूंगी, और वो मैं इसको लगाकर इसको मैं कवर करके रख दूंगी। 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा तैयार करूंगी। तब तक मैं इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में एक आधी कड़छी के करीब तेल रखा है, जो कि हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सबसे पहले साबुत धनिया। गैस को तेज कर दूंगी। इसी के साथ इसके अंदर डाल दूंगी मैं जीरा। पहले मैं सौंफ डालूंगी, जीरा भी डाल दूंगी इसी के साथ में, और धनिया भी, वो अजवाइन भी डाल दूंगी मैं। अब मैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी, जब तक कि धनिया पूरी तरह से क्रैकल नहीं करने लग जाता, पक नहीं जाता, तब तक मैं इसको भूनूंगी। आप देख सकते हैं मेरे चारों मसाले जो खड़े थे वो रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च डालूंगी। गैस को यहाँ पर मैं मीडियम कर दूंगी। इसी के साथ ये जो मटर मैंने उबाले थे इसको मैंने पीसा नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही डाल दूंगी। जब मैं मैश करूंगी आलू को तो मटर भी मैश हो जाएंगे इसके अंदर। मटर भी हमारे भुन चुके हैं, 2 मिनट हो गए मटर को भूनते हुए। अब मैं इसी के साथ इसमें आलू डाल दूंगी। मटर की पोटली बना रहे हैं तो इसलिए हम आलू का कम ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं मसाले डाल दूंगी। सबसे पहले डालूंगी मैं आधा चम्मच नमक। नमक हमने मैदे में भी डाला है इसलिए हम नमक आधा चम्मच ही डालेंगे। लाल मिर्च डालूंगी आधा चम्मच के करीब। गरम मसाला डालूंगी आधा चम्मच, ये गरम मसाला डाल दूंगी। अमचूर डाल दूंगी आधा चम्मच के करीब है ये भी। चाट मसाला 1 चम्मच के करीब डालूंगी मैं। और इसको मैं हल्की गैस पर 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। अब मैं गैस को मैंने बिल्कुल आस्ता कर दिया। इसको धीरे धीरे चलाते चलाते आलू और मटर दोनों ही मैश हो गए पूरी तरह से। इस तरह से हमें इसकी स्टफिंग चाहिए थी। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूंगी, उसके बाद मैं पोटली बनाऊंगी। आटे को चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए इसको रखे हुए। ये देखिए अब मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको मसलूंगी, ताकि हमारी कचौड़ी जब पोटली बने तो बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो आटे को हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसल के बिल्कुल चिकना कर दिया है। अब मैं इसके नींबू के आकार के पेड़े बनाऊंगी, और इसके बाद मैं पोटली बनाने की तैयारी शुरू करूंगी, क्योंकि जो हमने स्टफिंग बनाई है वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है। सबसे पहले हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम बेल लेंगे। सूखा मैदा नहीं लगाएंगे, ऐसे ही इसको बेलेंगे।
ये देखिए इसको हमने बेल लिया है। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग को भरूंगी। इस तरह से मैंने स्टफिंग ली है, इसको बिल्कुल सेंटर में रख दूंगी मैं। अब मैं इसको जैसे चुन्नट डालते हैं या प्लेट डालते हैं उसी तरह से मैं इसको पैक कर लूंगी इस तरीके से। स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरेंगे, ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो ये फिर बन नहीं पाएगा ढंग से, क्योंकि हमने ऊपर इसको पोटली की शेप देनी है। अब हम इसको धीरे धीरे ऊपर करके अंगूठे और हाथ उंगली के बीच में सूखा आटा लगाकर इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, ताकि ये बीच का हिस्सा जो है ये बंद हो जाए, ताकि हम इसको जब डीप फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी पोटली तैयार कर लेंगे। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है, अब मैं इसमें एक एक करके पोटलियाँ छोड़ दूंगी। हल्के गैस पे पकाऊंगी, अगर तेज गैस पे पकाऊंगी मैदा है कच्चा रह जाएगा। 5 से 7 मिनट इसको आस्था गैस पे पकाने के बाद फिर मैं इसको तेज गैस पे पकाऊंगी। दो से तीन मिनट हो गए आस्था गैस पे हमें इसको पकाए हुए रखे हुए। अब हम इसको पलट के देखते हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा उल्टा कर देंगे ताकि इसका ऊपर का हिस्सा भी अच्छी तरह से क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। आस्था गैस पे ही अभी मैं इसको पकाऊंगी। पोटली हमारी पक रही है, अब हम इसको सीधा कर देंगे। पोटली को बनाते हुए हमें 10 मिनट के करीब हो गए हैं। अब मैं गैस को तेज करके इसको लगातार चलाती रहूंगी और इसको मैं पकाऊंगी। पोटली हमारी पूरी तरह से क्रिस्पी हो गई है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पक गई है, कहीं से खुली नहीं है। अब मैं इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। प्लेट ले ली है, अब हम इसमें एक एक करके सारी पोटली रख लेंगे। मैंने 2 से 3 पोटलियाँ और बना ली थी। ये देखिए सारी पोटली हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। हमारी आलू मटर की पोटली बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप इसको एक बार अपने घर में ट्राई जरूर करेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी बनाई पोटली पसंद आई है तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।